अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अरे क्या अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई? अरे तुम लोगों को सिर्फ मुख का पैसा चाहिए बस। तुम लोग कितने हो? अरे सेठ सिर्फ 6 लड़के हैं। 6 लोग? अरे 6 लोग होने के बावजूद अभी तक डेकोरेशन हुआ नहीं है। तुम लोग बाद में मिलना मुझे, अभी जल्दी करो काम। चला कैसी आवाज आ रही है बाहर? जी आए हैं। यहाँ चलो चलो देखते हैं। अनुज तुम यहाँ? शादी से पहले ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या बात है अनुज बेटा? अरे भाई कुछ बोलो तो सही, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किरण मैं तुम्हें ये बताने आया कि मैं तुमसे अब ये शादी नहीं कर सकता। अनुज तुम होश में तो हो ना? और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ किरण मैं होश में हूँ और पूरे होशो हवास में ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। अनुज तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं किरण मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है हकीकत। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ये शादी करनी होगी समझे? बहुत हो गया मजाक, कह दो कि ये सारा मजाक था। आंटी ये मजाक नहीं है, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनो, मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुमने मेरी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली? हाँ और नहीं तो क्या करता, नहीं करना चाहता था तुम्हारी बेटी से मैं शादी। पर वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ आई। सारिका पहले कि मैं अपना आपा खोलूं, चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आई तुझे मेरी जिंदगी में आग लगाते? अनुज अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अनुज मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अनुज अनुज प्लीज रुक जाओ। अनुज किरण 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 कहाँ हो तुम? किरण कहाँ हो तुम? किरण
संभल के पकड़ो इसे। अभी छोड़ो, संभल के। छोड़ो विवेक, संभल के। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस परिवार को, सारी खुशियां एक झटके में लुट गई। बड़ी अजीब बात है, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेहमान थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला जब इन्होंने अपने आप को फांसी लगवा ली। सर, हम लोग अंदर काम कर रहे थे, अचानक मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज आई और हम लोग बाहर चले आए। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी ना जाने क्यों चारों ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने आत्महत्या की? सर, मैं बताता हूँ। किरण बिटिया की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी, उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दी। बस इसी बदनामी के कारण इन लोगों ने आत्महत्या। वैसे मना क्यों किया था? कुछ मालूम है आपको? वो किसी और लड़की से प्यार करता था और चुपके से उससे शादी भी कर ली थी। किरण के पापा ने ये बात आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी थी। आत्महत्या की चिट्ठी? कहाँ है वो? शादी से मना करके हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना ब्रिजेश, ये ब्रिजेश है लगता है। एक बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, चार चार लोग अपने आप को पेड़ से लटका रहे हैं और घर में किसी को पता कैसे नहीं चलता है, है? ये जो लड़की है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने अपने आप को पेड़ पे कैसे लटकाया होगा। पेड़ तो काफी ऊंचा है सर, और इसकी हाइट तो छोटी है। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ अभिजीत, कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को लटकाया होगा पेड़ से। कुछ गड़बड़ है सर। हाँ, किसी और ने जबरदस्ती लटकाया इन लोगों को। बिल्कुल अभिजीत, यही हो सकता है। विवेक, बॉडीज को फॉरेंसिक लैब भेज दो। एक ही परिवार के चार चार लोगों की एक साथ मौत देख के वाकई बहुत बुरा लगा। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाए लोग ऊपर वाले से। समझ में नहीं आता ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इस पूरे परिवार पे जो इन लोगों ने आत्महत्या करने की ठान ली। आत्महत्या नहीं, बस यहाँ पर तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क है। मतलब इनकी आत्महत्या के बारे में सोचना गलत है? अरे सोचो ना, सोचो। आत्महत्या हो तो सोचो, मैं कब कह रहा हूँ मत सोचो, लेकिन आत्महत्या है ही नहीं। इस छोटी लड़की की लाश लटकते हुए देख के हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था कि ये इस बच्ची ने अपने आप को लटकाया कैसे हो? ठीक सोचा था आप लोगों ने। इस आदमी को छोड़कर बाकी इन तीनों को किसी और ने लटकाया, शायद इनका खून हुआ। यार सालुंखे, अगर इनका खून हुआ तो फिर किसी न किसी की तो चिल्लाने की आवाज कोई सुन लेता। अरे आवाज को छोड़ो यार, तुम मेरे साथ आओ, ये देखो आओ। ये इसकी गर्दन देखो जरा, ये रस्सी के निशान देख रहे हो? ये रस्सी के निशान इस तरफ से मोटे हैं और इस तरफ के निशान पतले। इसका मतलब इसे रस्सी यहाँ बांध के इसे ऐसे लगता है, यहाँ टांग के नीचे से। इससे तो यही पता चलता है कि रस्सी से लटकते ही मौत हुई। बिल्कुल, लेकिन भाई अगर किसी को रस्सी से लटकाया जाएगा तो उसकी गर्दन टूटेगी, आदमी तड़पेगा, उसका दम घुटेगा। बॉस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को लटकाया और लटकते मर गया, लेकिन ये इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी गर्दन पे कोई और निशान ही नहीं है, मतलब ये बेचारी बिना तड़पे ही मर गई। बिना तड़पे ही मर गई, मतलब सालुंखे ये होश में नहीं थी जब ये मरी? एग्जैक्टली। हाँ सर, होश में नहीं थे, पहले बेहोश हुए और फिर मर, क्योंकि इनके पेट में से हमें एक केमिकल मिला है, प्री टेट्रा क्रोमोसोडिनेट। ये कैसा केमिकल है?
ये केमिकल शरीर में जाते ही हलचल मचा देता है। बस कुछ ही मिनटों में शरीर के मसल्स शॉक में आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में पैरालिसिस, हाथ पैर आंख मुंह सब आउट ऑफ कंट्रोल और थोड़ी देर में इंसान की मौत। किसने खिलाया होगा ये केमिकल इनको? बस उसने, उस किरण के डैडी, क्योंकि उसके पेट में हमें केमिकल नहीं मिला। मतलब सालुंखे, किरण के डैडी ने इन सबको वो केमिकल खिलाया और जब ये लोग मर गए तो इन सबको उसने पेड़ पर लटकाया और फिर खुद लटक गया। ऐसा हो सकता था मगर ऐसा भी नहीं। मतलब? मतलब ये कि इसे भी पहले मारा गया उसके बाद लटकाया। इसका मतलब सर इन चारों का खून किया गया? बिल्कुल सर, इनके पेट में से ये केमिकल तो मिला ही है पर साथ में हमें नीम की दवाई भी मिली। प्री टेट्राक्रोमोसोडिनेट के साथ साथ नींद की दवाई भी। किरण और उसके माँ बाप को फांसी लगाने से पहले किसी ने केमिकल दिया जिसकी वजह से वो लोग सब पैरालाइज हो गए और फिर खूनी ने बड़े आसानी से उन्हें उस पेड़ पर लटका दिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि केमिकल, उन्हें केमिकल किसने दिया? मगर उन्हें केमिकल देंगे कैसे? उन्होंने तो रात में कुछ भी नहीं खाया था, सब भूखे सो गए थे, सारे रिश्तेदार भी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाए पिए केमिकल अंदर जाएगा कैसे? सर, सोने से पहले हम सबने दूध जरूर पिया था। सबने? जी हाँ, ये हो सकता है सर। ऐसा लगता है कि दूध में ही केमिकल दिया गया था। मगर सर, दूध तो बाकी लोगों ने भी पिया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किरण और उसके परिवार वाले पैरालाइज्ड हुए। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी उस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। वो जानता था कि ज्यादा डोज देने से लोग पैरालाइज हो सकते हैं और कम डोज देने से लोगों को सिर्फ नींद ही आती है। और इसीलिए उसने रिश्तेदारों को कम डोज दिया, किरण और उसके माँ बाप को ज्यादा। जब वो लोग पैरालाइज्ड हो गए तो रात को चुपके से पेड़ में ढक दिया। और सर, लोगों को लगा कि किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या की। सर, ये काम कोई बाहर के आदमी का नहीं है, खूनी परिवार का ही कोई आदमी है। एक बात बताओ, कल रात सोने से पहले सबको दूध किसने दिया था? किसने दिया था? रामू काका ने। रामू काका? अच्छा। जी सर। रामू काका, आपने दूध पिलाया था सबको? जी सर। तो फिर सच सच बताना, दूध में केमिकल किसने मिलाया? साहब, मेरे सामने तो किसी ने नहीं मिलाया, अगर मेरे पीछे किसी ने मिलाया होगा तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ? जाने के बाद? क्या मतलब? क्या है साहब, गिलास में दूध भरने के बाद मैं अंदर चला गया था किसी काम की वजह से, तो गिलास सब बाहर ही छोड़कर चला गया था। केमिकल उसी समय मिलाया गया है सर। ये तो पक्का है कि ये काम परिवार के ही किसी आदमी का है। अभिजीत, एक काम करते हैं, घर के अंदर और घर के आसपास ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। पे नींद की गोलियों के पैकेट मिले मुझे, मतलब साफ है दूध में केमिकल के साथ साथ नींद की गोलियां भी मिलाई गई हैं। इसलिए रात को रिश्तेदारों की आंख नहीं खुली जब किरण और उसके परिवार वालों को फांसी पे लटकाया।
विवेक काम करो, ये बचा हुआ दूध फॉरेंसिक लैब भेज, देखते हैं इस बचे हुए दूध में वो केमिकल या नीम की गोलियों के ट्रेसेस हैं क्या। यस सर। साथ साथ घर के सारे रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल्स भी ले लो। कुछ किया नहीं है तो हमारे खून का टेस्ट क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखिए हमें शक है कि खूनी ने वो केमिकल या जहर वगैरह दूध में मिलाकर आप लोगों को पिलाया। मगर सर हम लोग तो ठीक हैं, हम लोगों को क्या हुआ? हुआ है नहीं, हुआ था, समझे? घर में चार चार लोगों की मौत हो गई और सब सोते रहे। सर आपका कहने का मतलब ये है कि खूनी ने हम सबको नींद की दवाई खिलाई थी? हो सकता है, और वही पता लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया आप लोगों को, और कुछ नहीं। मगर अब तो खून ले लिया है ना? हाँ ले लिया, बाकी सबके खून के बारे में पता चला है बस। क्या क्या पता चला है सर? मैं बताता हूँ क्या पता चला है। लकी हैं आप लोग, सस्ते में बच गए। खूनी ने आप लोगों को वो वाला जहर नहीं खिलाया जो उसने किरण और उसके माँ बाप और बहन को खिलाया। खूनी ने आप लोगों को सिर्फ नींद की दवाई खिलाई जिससे आप सोते रहे। मगर उसने हमें नींद की दवाई खिलाई कैसे? दूध में। उस रात तुम सब लोगों ने दूध पिया था ना? सर? हाँ। मगर सर इस बर्तन में जो दूध मिला है उसमें नींद की दवाई है ही नहीं। दूध में नींद की दवाई है ही नहीं? नहीं सर। इसका मतलब है सर जब ग्लासों में दूध डाला गया खूनी ने उसके बाद हर एक ग्लास में दवाई की गोली डाली है। इसका एक ही मतलब हो सकता था, खूनी कोई आसपास का ही आदमी है जो इनके साथ था, इनके बीच में कोई रिश्तेदार। हाँ सर, और घर में इन रिश्तेदारों के अलावा और कोई है भी तो नहीं है? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है एसीपी साहब, ये सब उस अनुज का किया हुआ है, उसी की वजह से इतना मातम छाया। आप उससे पूछिए जाकर के, वो ही बताएगा। ना वो ऐसा करता और ना ये लोग मरते। शादी के लिए उसने ही मना किया जिसकी वजह से ये सब मरे। अनुज, इस अनुज से मिलना पड़ेगा। पता क्या है इस अनुज का? इस घर के मालिक से। अनुज का ही घर है नहीं? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अनुज है घर पे? हाँ है, आइए। अनुज सीआईडी वाले आए मिलने। हम लोग किरण के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका किसी ने खून किया। संभालो, खून किया है पर किसने? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हम लोग। ना ही मैं शादी का चूड़ा नाटक करता, ना ही मेरी किरण मुझे दूर जाती। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी थी। मैं सोचता था कि जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो दूसरी शादी की है ना? मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं तो बस एक झूठा नाटक कर रहा था किरण से दूर जाने के लिए। लेकिन किरण बार 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 मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? वो कह रही थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। तो तुमने सोचा कि तुम्हारी और इनकी शादी की बात सुनकर किरण चुप हो जाएगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? सर मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अनुज मेरे पास आया और ये सब शादी का नाटक करने के लिए बोला। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं भी तैयार हो गई। अच्छा ये
किरण या किरण के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं ऑफिसर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन हाँ एक बार मैंने किरण को बोलते हुए सुना था कि उसके चाचा उसके पापा के साथ झगड़ा कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी के लिए, बस इतना ही। प्रॉपर्टी के लिए चाचा जी झगड़ा कर रहे थे? कहाँ मिलेंगे ये चाचा जी? क्या हुआ सर, आपने हम सबको यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा क्यों किया हुआ है? पूछताछ करने के लिए। हमारे परिवार के लोग मारे गए और आप लोग हमी से पूछताछ कर रहे हैं? क्योंकि खून आप लोगों में से ही किसी ने किया है। देखिए ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए हम लोगों पर। आप प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था ना? जी हाँ हुआ था। हुआ था तो हो सकता है आप में से किसी ने किरण और उसके परिवार का खून कर दिया। मगर झगड़ा तो 3 महीने पहले हुआ था और खून अब हुआ है। देखिए सर, झगड़ा सिर्फ इस बात का था जो हमारी जमीन खरीदने वाला था वो आदमी ठीक नहीं था और हम उसे बेचने के लिए मना कर रहे थे। मैं तो चाहता था जमीन अभी पड़ी रहे, सही मौका देख के बेची जाए, मगर उसने हमारी एक न सुनी और इसलिए उनका खून कर दिया। दूध में नीम की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया है ना? नीम की गोलियां? मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। पता है किसने किया होगा? किसने किया है जल्दी बताइए। ये सब उस श्राप की वजह से हुआ होगा। श्राप? क्या ये श्राप कहां से आ गया बीच में? किरण के पिता ब्रजेश एक लड़की से प्यार करते थे, मेनका नाम था उसका, मगर बाद में शादी उन्होंने किसी और लड़की से कर ली। इस सदमे को वो लड़की सह नहीं पाई और उसने और उसके पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। उन लोगों का ही श्राप लग रहा है ये। देखिए सब श्राप बकवास है, समझिए। ये बताइए मेनका के परिवार का कोई बचा हुआ है? बताइए। वो तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ बस इतना ही पता है कि उस वक्त सारा परिवार खत्म हो गया था। सारा परिवार खत्म हो गया था? अच्छा, इस मेनका के परिवार की पूरी जानकारी निकालो, देखते हैं चक्कर क्या है। हाँ सालुंखे, अगर थोड़ा सा केमिकल पेट में डाला होता तो शायद बच भी जाता, मगर इन लोगों को तो 3 गुना केमिकल दिया गया है। ओ, इसका मतलब केमिकल के पेट में जाते ही मौत हो गई इन लोगों? बिल्कुल सर। हाँ सालुंखे, क्या पता चला? बॉस, दूध में जो केमिकल मिलाया गया था उसी की वजह से शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैरालिसिस? ये केमिकल फौरन असर करना शुरू करता है या काफी देर के बाद होता है? अगर डोज 3 गुना दिया जाए तो असर फौरन हो जाता है, मौत भी हो सकती है, और इन लोगों को 3 गुना दिया गया। 3 गुना डोज दिया गया है? कहां से मिला होगा ये केमिकल खूनी को? बस इस केमिकल के बारे में हर कोई तो नहीं जानता होगा, जरूर इस केमिकल के बारे में वही आदमी जानकारी रखता है जो किसी केमिकल लैब में काम करता है। शायद खूनी भी किसी केमिकल लैब में काम करता है। हो सकता दया, या तो खूनी काम करता होगा या खूनी का कोई जान पहचान वाला। दया, मालूम है मुझे, मालूम है कौन है वो जो केमिकल लैब में काम करता है। अरे कौन है बाहर? रुको जरा, आ रही हूँ मैं। क्या बात है, इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रहे हो? बहरे नहीं हम लोग? देखिए हम लोग CID से। CID? क्या हुआ है? खून। खून? जी हाँ, 4-4 खून हुए। मैंने कोई खून नहीं किया है। क्या हुआ वंदना? क्या बात है? कि देखिए ना, कुछ लोग आए हैं CID से। CID से? जी हाँ, देखिए आप लोग घबराइए मत, हमें मालूम है कि खून आपने नहीं किया, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? क्या जानकारी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए कि ये घर आपका ही है? घर हमारा नहीं तो किसका है, हमने खरीदा है अपनी मेहनत के पैसों से। वो ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस घर में आपसे पहले रहता कौन था? नहीं साहब, ये हमें मालूम नहीं है। जिससे घर खरीदा उसे नहीं जानते? जिससे घर खरीदा है उसे जानती हूँ मैं। तो किससे खरीदा है घर? इस घर के पड़ोसी थे। पड़ोसी ने घर बेचा? हाँ सर, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है,
इस घर के लोगों में और पड़ोसियों में बहुत प्यार था आपस में। इस घर को बेचने की पूरी जिम्मेदारी पड़ोसियों पर ही थी। अच्छा, ये पड़ोसी अभी भी रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो भी घर बेचकर चले गए। ये पड़ोसी कहाँ गए कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो अपना पता छोड़ के गए। क्या पता है? सुरेंद्र नगर प्लॉट नंबर 171। सुरेंद्र नगर प्लॉट नंबर 171। सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये बात सच है कि मैं एक लैब में काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैंने उन्हें जहरीला केमिकल खिला दिया। तो आप ही बता दीजिए किसने दिया जहर? सर मुझे क्या मालूम। किरण किसी भी हालत में अनुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे चुप कराने के लिए तुम लोगों ने पूरे परिवार को ही मार दिया। ये झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जहर तुमने नहीं खिलाया, मगर ये हो सकता है कि किसी और ने वो जहर तुमसे लिया और उसने खिला दिया उन्हें। नहीं सर, मुझसे किसी ने कोई जहरीला केमिकल नहीं दिया। सोच लो सारिका जी, चार चार लोगों का खून हुआ है इस केमिकल की वजह से। मैं बार बार यही कहूंगी ऑफिसर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अनुज किरण के घर गया था ये कहने के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस वक्त तुम कहाँ पे? सर उस वक्त मैं अनुज के साथ ही थी किरण के घर पे। और उसके बाद? उसके बाद कहाँ गई थी? वहाँ से जाने के बाद मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली गई थी। सच बोल रही हो? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जरा तुम्हारे उस दोस्त का फोन नंबर देना, अभी फोन करके पता करते हैं कि तुम उसके यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी या जहर लाने। जी कहिए, क्या काम? हम लोग सीआईडी से। आप मेनका को जानते होंगे ना? मेनका? कौन मेनका? वही मेनका जिनके पड़ोस में आप रहती थी। अच्छा अच्छा, वो मेनका जी। आइए अंदर आइए। हाँ याद आया, मगर वो तो काफी साल पहले मर गई थी ना। अच्छा, उसके परिवार में और कोई आदमी है? उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर माँ बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके परिवार वालों की मौत हो गई थी। अच्छा, आपकी माँ ने आपको कुछ और बताया कि उनकी मौत हुई कैसे? नहीं सर, मम्मी ने कभी नहीं बताया, और उस वक्त मैं भी काफी छोटी थी इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए। चार चार खून हुए हैं इसलिए खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी। चार चार खून? जी हाँ। एक बात मुझे याद है जो मैं आज तक नहीं भूली। ऐसी क्या बात है जो आप अभी तक नहीं भूली? मेनका और मेनका के परिवार वालों की मौत के बाद उसका चाचा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं एक ना दिन बदला लेके रहूंगा। ये तो मालूम हुआ आपको कि वो रहता कहाँ है? वो मेनका के बगल वाले घर में ही रहता है, और सुना है उसने आज तक शादी भी नहीं की। चलो चल के पता करते हैं इस मेनका के चाचा ने शादी क्यों। लगता है घर में कोई नहीं है। ऐसा ही लगता है। क्या किया फ्रेडी? लॉक उड़ा दिया। फ्रेडी, दरवाजा खोलने के और भी तरीके हैं। हाँ। लगता है काफी दिनों से कोई रहता नहीं यहाँ पे। फ्रेडी, सारे घर में धूल जमा पड़ी। देखो मेनका के चाचा के बारे में कोई सबूत मिलता है? परिवार के लगते हैं, शायद मेनका के चाचा का परिवार है। नहीं फ्रेडी, ये मेनका के चाचा का परिवार नहीं हो सकता। याद है तुम्हें मेनका के पड़ोसी की बेटी ने क्या कहा कि मेनका के चाचा ने शादी नहीं की थी। तो फिर ये फोटो है किसके? लगता है ये मेनका का परिवार है। मगर किसी ने हमें इस बच्चे के बारे में नहीं बताया, ये बच्चा कौन हो सकता है? कहीं ये मेनका का कोई भाई या बहन तो नहीं?
हो सकता है। अब आगे की कहानी मेनका का चाचा ही बता सकता है। लेकिन इस मेनका के चाचा के बारे में पता कैसे चलेगा? इसकी तो शक्ल तक नहीं देखी हमने। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? फ्रेडी, भले ही घर ये काफी समय से बंद हो, लेकिन मेनका का चाचा अभी भी यहाँ आता है। वो किसे? तो एकदम नया है। अगर ये घर काफी समय से बंद था तो ये नया पाइप किसने लगाया? इसका मतलब साफ है, मेनका का चाचा यहाँ पे आया था। ये देखो, यहाँ पे दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है, दुकानदार से पूछ सकते हैं। TNS दुकान चलती हुई देखी कभी? नहीं देखी है तो देख लो। नहीं फ्रेडी, नहीं, अंदर गया होगा। काउंटर के नीचे छुप के तो नहीं बैठा है? अरे रे, ये क्या चक्कर है, क्या इरादा है आप लोग का? कुछ नहीं हुआ सर। अरे कुछ नहीं तो फिर काउंटर के नीचे क्या देख रहे थे? भाई साहब, आपको ढूंढ रहे थे हम। कहाँ चले गए थे आप? बाथरूम गया था, लड़के लोग है नहीं, ऑर्डर पे गए, अकेला ही हूँ। बताइए क्या काम है? देखिए, हम लोग CID से, कुछ दिन पहले आपने इसी तरह का नल और एक पाइप एक घर में लगाया। घर का नंबर है S34, मिलाडा गली में। मिलाडा गली इतना तो याद नहीं है सर, लेकिन बिल बुक देख के बताता हूँ मैं। मिलाडा गली। हाँ सर, ये ऑर्डर तो 10 दिन पहले बुक हुआ था सर। उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये ऑर्डर दिया था? हाँ सर, बहुत खड़ूस आदमी था, बहुत जल्दी में था, बार बार हल्ला कर रहा था कि जल्दी करो, पाइप लगवाना है, नल लगवाना है, जल्दी करो सर। उसे देखोगे तो पहचान तो लोगे ना? देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा सर। चलो मैं सर, चलिए सर। ध्यान से किसी दूसरे आदमी की तरफ उंगली मत उठाना, समझे? उस आदमी का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ सर? इतना बवाल किया था उसने पाइप खरीदने में, आसपास के सारे दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया था। पर हंगामा किया ही क्यों उसने? मैडम, वो पाइप लगाने में देरी हो रही थी इसलिए। अच्छा, अब देखो इतने सारे लोग है वहाँ पर, है ध्यान से देखो और बताओ कौन है वो जिसने पाइप का ऑर्डर दिया था? इनमें से तो कोई नहीं था सर। देखो घबराओ मत, थोड़ा आगे आगे जाओ, वहां से पहचानो। आओ, अरे पूरा परिवार यहां पर है, अब तो बता सकते हो कौन था? यही है वो आदमी, यही है, यही है। पक्का? हाँ साहब, यही है, एकदम पक्का। यही खून है सर? कुछ पता चला? पता तो चलने वाला ही था, लेकिन खूनी हमारी आंखों में मिर्ची फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमा नहीं मामला उसे। कौन है खूनी? कम से कम उसका नाम तो बताइए।
बताते नाम भी बताते। मेरा बस चले ना तो इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। पूरा परिवार उजाड़ दिया है उसने मेरे भाई का। हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संभालिए अपने आप को। मेरे भाई ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद की है, फिर न जाने किस बात का बदला लिया है उसने मेरे भाई से। देवता जैसे मालिक को भला कौन मार सकता है, किस बात का उनसे बदला ले सकता है। वही तो, देवता जैसे मालिक थे ना तुम्हारे। जी बहुत अच्छे थे बेचारे, बहुत अच्छे थे, किसी को कोई दुख भी नहीं देते थे, है ना? कभी नहीं। बहुत अच्छे थे मालिक तुम्हारे, किसी को दुख भी नहीं देते थे, तो फिर क्यों मारा जी? किसी ने क्यों मारा? लेकिन साहब अब ये मैं कैसे बता सकता हूं कि उनका खून क्यों किया गया? खूनी को तो हमने ढूंढ निकाला है, अब तुम ये बताओ कि ये खून किया क्यों तुमने? मैंने? हाँ तुमने। इंसान मैं क्यों करूंगा किसी का खून? किरण बिटिया तो मेरी बेटी जैसी थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे साहब। और उसी प्यार की आड़ में तुमने सबका खून कर दिया, सबका। क्यों साहब? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। आज 4 साल हो गए मुझे यहां काम करते हुए, आज तक किसी को मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। इनके परिवार को मैंने अपना परिवार समझता हूं साहब। अब चाहे तो इन लोगों को पूछ लीजिए साहब, पूछ लीजिए इन लोगों को। रामू काका सच कह रहे ऑफिसर, भैया भाभी इनको बहुत मानते थे। मगर ये रामू काका तो नहीं मानते थे ना? सर आप लोगों से कोई गलती हुई है, रामू काका ऐसा नहीं कर सकते सर। अरे रामू काका, ये रामू काका तो अस्तीन का सांप, अस्तीन का सांप, इसे चेहरे पर मत जाना, समझे? रामू काका अभी दिखाते हैं विवेक। ये आपके रामू काका बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही नजर आते हैं। देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे दुकान में पाइप का ऑर्डर दिया था। हाँ साहब यही है वो आदमी, हम लोगों ने खुद इसके यहाँ नलो पाइप लगाया था। आप किस पाइप की बात कर रहे हैं भाई? ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता साहब। अरे कमाल है रामू काका, जिस आदमी ने तुम्हारे घर में नल और पाइप लगा दिया उस आदमी को आप पहचानते ही नहीं? मगर रामू काका तो कहते हैं उनका ना तो कोई घर है ना ही कोई सगा संबंधी। झूठ बोल रहे हैं ये। रामू काका ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बताइए रामू काका जी, बताइए, सब लोग सच सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ मैंने ही मार डाला किरण बिटिया और उसके परिवार को। मीनखा और उसके परिवार का बदला लेने के लिए, है ना? हाँ इनके भाई की वजह से मेरा भाई और उनका परिवार मौत की नींद सो गया। उन लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था साहब। और कौन था तुम्हारे साथ बताओ? कोई नहीं, मैंने अकेले ही मारा है सबको, अकेले ही मारा है सबको मैंने। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले इतने सारे लोगों को रस्सी पे नहीं लटका सकते, जरूर कोई ना कोई तो था तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना मैं अकेला ही था। रामू काका अब जल्दी से बताओ कौन था तुम्हारे साथ? ये तो गोली से उड़ा दूंगा समझे। ये क्या कर रहे हैं आप? गोली मार देंगे क्या इन्हें? देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ बताओ। बताओ मैं 5 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4। रामू काका अब तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ,
चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो सर? कहाँ? लेकिन सर, सर हमें लगता है रामू काका ने खून किया ही नहीं है, वो तो डर की वजह से हाँ कह रहे हैं। अब जल्दी पता चल जाएगा। रामू काका, पिछले 4 साल से तुम्हारे यहाँ ये आदमी काम कर रहा है, मगर किसी को पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जालंधर, जालंधर सर। बाहर निकलने तो गोली से उड़ा दूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब। बाहर निकलने तो नहीं तो खोपड़ी में छेद बना दूंगा। निकल, मुझे छोड़ दो। निकल, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब, मैं बोला। बता कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ। कौन था तुम्हारे साथ में? मैं अकेला ही था, मैं अकेला था साहब, मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। आपको बताओ, तुम्हारा हाथ बताओ। लाइफलाइन तो खत्म हो गई। भागो यार, भागो। मच्छर मत झड़ना, भाग भाग। मैं भागूंगा तो आप मुझे मार डालोगे साहब, मैं नहीं भागूंगा। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ तो दूल्हा खुद खूनी निकला सर, बहुत छुप लिया तू। हाँ मैं ही हूँ खूनी, मैंने ही मारा है किरण के पूरे परिवार को। ऐसी बात कर रहा है जैसे बहुत बहादुरी का काम किया है इसने। मैंने सिर्फ उनके कारनामों की सजा दी है। किन कारनामों की बात कर रहे हो तुम? मैं मेनका का भाई हूँ। किरण के पापा मेरी बहन मेनका से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने मना कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अगर तुमने अपनी बहन माँ बाप की मौत का बदला लिया है तो ये रामू काका कहाँ से बीच में आए? रामू काका मेरे सगे चाचा, बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन 5 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो अब जाकर ठंडी हुई। वाह रे वाह चाचा भतीजे की जोड़ी, तो ये सारा प्लान तुम दोनों का था? हाँ, मैंने ही वो केमिकल सारिका की लैब से चुराया था, और चाचा ने केमिकल और नींद की दवा दूध में मिला। बाकी सब लोगों ने तो दूध पी लिया, मगर किरण के पापा ने पूरा दूध नहीं पिया। तुम दोनों की बदले की आग ने 4 मासूम लोगों की जान ली, अब जेल में बैठकर अपनी ही फांसी की रस्सी बुनते बैठना।